Hello students, myself Ayushitak. I welcome you on Anvira Online School. Today we will start our third part for chapter number 1, part number 3, chapter number 1. So in our previous parts, in part number 1 and part number 2, we read our story about three questions. About three questions, a king have three questions. Ek king tha, uske apne three questions the, jinka answer wo dhoondna cha raha tha. Phir use lastly, wo jo three questions ke answer the, kisse mile? Apne aap se, usne jo kaam kiye, usi kaam se use un three questions ke answer mil gaye the. So, अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन आंसर. उस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो हम यहाँ पे इस पार्ट के अंदर करने वाले हैं. सो हियर वर्किंग विद द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट मतलब जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम यहाँ पर करेंगे. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर वी हैव सम क्वेश्चंस, सो लेट देम आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई. व्हाई मींस क्यों. Why means क्यों. Was the king advised. Advised मतलब उसे सलाह दी गई. Second form of advice. Advised and advised. Advised to go to the magician. King को magician के पास जाने की सलाह क्यों दी गई. So इसका answer क्या होगा, इसका solution क्या होगा. Some of the wise men, कुछ जो wise men थे, हरमीत नहीं, कुछ और जिन्होंने उसे advice दी थी पहले की तरफ, पहले हरमीत से पहले कुछ अलग अलग उसके पास बहुत सारे answers आए थे. तो उनमें से कुछ जो wise men थे thought, वो सोच रहे थे. क्या सोचते थे. Thought is the second form of think. Some wise man thought, कुछ जो wise men थे वो सोच रहे थे that कि In order of decide right time, किसी भी चीज को करने का जो right time है, अगर हमको उसे क्या करना है, decide करना है कि कौन सा काम कब करना है, for doing something, कुछ करने के लिए, one must look into the future. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, future में देखना पड़ेगा, मतलब आगे का देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या घटना होने वाली है और उससे related हम क्या क्या काम कर सकते हैं. एंड ओनली म्यूजिशियन वर एबल टू डू दैट. ओनली जो म्यूजिशियंस है वही फ्यूचर में देख सकते हैं. जो जादूगर होते हैं वही फ्यूचर में देख सकते हैं और वही फ्यूचर में देखकर बता सकते हैं कि आगे ये चीज होने वाली है और उसके लिए आपको ये डिसीजन लेने होंगे. सो दे एडवाइज, इसलिए उन्होंने एडवाइस दी द किंग टू गो टू द मजिशियन. इसलिए उन्होंने एडवाइस दिया कि जो किंग है उसको कहाँ जाना होगा, मजिशियन के पास जाना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके आंसर में हुज एडवाइस, किसने एडवाइस दिया था. Did the pupil say would be important to king? कौन सा जो person है वो king के लिए important होगा. In answer to the second question, first of all, tell me students, what is the second question of the king? King का जो second question था वो क्या था, कि वो कौन सा person है जिसकी बात उसे सुननी चाहिए. तो उसका जो आंसर था उसके आंसर में क्या क्या क्वेश्चन, सॉरी वो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या आया था उसके पास. तो इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में उसके पास क्या आया था. सम पीपल मतलब कुछ लोग सजेस्टेड, उसे सजेस्ट कर रहे थे टू सिक. सिक मीन्स क्या होता है, सिक. सिक मीन्स मांगना. सिक मीन्स क्या हो गया, मांगना. एडवाइस, एडवाइस मांगना ऑफ काउंसलर्स. उसका जो काउंसलर है, उसकी जो समिति है, जो एक बहुत अच्छे अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनाई जाती है, उसे उनकी सुननी चाहिए. और कुछ लोगों ने क्या कहा, द प्रेस्ट. प्रेस्ट मीन्स क्या हो गया, पुजारी, जो भगवान की पूजा करते हैं उनकी सुननी चाहिए. और द डॉक्टर्स, किसी ने कहा कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए. और द सोल्जर्स, और क्या बोला कि आपको आपके सैनिकों की सुननी सबसे ज्यादा जरूरी है. तो बहुत अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग आंसर्स दिए थे.
Let's go to our question number 3. What suggestions were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उसे क्या क्या सजेशंस मिले थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर द किंग. किंग का जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है करने के लिए, कौन सा बिजनेस है, कौन सा काम है जो किंग वो अब सबसे फर्स्ट करे, सबसे इम्पॉर्टेंट हो. तो इसके सॉल्यूशन में क्या क्या सजेशंस मिले थे. फॉर द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए सम पीपल सैड, कुछ लोगों ने कहा साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. कुछ लोगों ने क्या कहा कि साइंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है करने के लिए. वेल वहीं देयर वर अदर्स, जो दूसरे थे हु बिलीव्ड, जो विश्वास करते थे इट वॉज फाइटिंग. फाइटिंग मतलब क्या होता है, युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना. कुछ लोगों ने क्या कहा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो राजा है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि आपको क्या करना चाहिए, फाइटिंग करनी चाहिए, युद्ध करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य अपने कब्जे में ले लेने चाहिए. एंड देन फिर There were those who believed, कुछ लोग believe करते थे, religious worship मतलब पूजा करने के लिए, धार्मिक पूजा के लिए, should take the first place, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए. कुछ लोग साइंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग फाइटिंग को देते हैं, कुछ लोग वर्शिप को देते हैं. सो सबके अलग अलग सजेशंस थे. ये था हमारे जो थर्ड क्वेश्चन था राजा का, उसके आंसर में उसे अलग अलग सजेशंस मिले थे. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट. डिड द वाइज मैन, MEN, मैन, मैन दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, MEN, मैन. मैन मीन्स क्या हो गया, वन पर्सन, एक आदमी, और MEN इज मोर देन वन. सो डिड द वाइज मैन, जो वाइज मैन थे जिसने अलग अलग सजेशंस दिए, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे आदमी थे. सो डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, उन्हें रिवॉर्ड दिया गया क्या, क्या वाइज मैन चतुर व्यक्तियों को रिवॉर्ड दिया गया. इफ नॉट, अगर आप कहते हैं कि नहीं दिया गया, सो वाई नॉट, क्यों नहीं दिया गया. सो इसका सॉल्यूशन क्या है, नो, नहीं, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड. वाइज मैन को रिवॉर्ड नहीं मिला, जो चतुर व्यक्ति थे उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिला. अब वाई मीन्स क्यों नहीं मिला. जब भी वाई पूछा जाता है, जब आपको पूछा जाएगा क्यों, तो आप क्या आंसर देते हैं, क्योंकि. और इंग्लिश में जब वाई से पूछा जाता है तो उसका आंसर दिया जाता है किससे, बिकॉज के साथ. सो नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड बिकॉज मीन्स क्योंकि. देयर आंसर्स, उनके जो आंसर्स थे वर सो डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग थे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग थे. एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उससे जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, वो संतुष्ट नहीं हुआ था किससे, विद देयर आंसर, जो उन चतुर व्यक्तियों ने आकर अलग अलग सजेशंस दिए थे जो हमने ऊपर क्वेश्चंस के आंसर में पढ़े हैं. सो वो जो सजेशंस दिए थे उन सजेशंस से किंग जो था, जो राजा था, वो संतुष्ट नहीं था और सबने अलग अलग बोला, इस वजह से उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिया गया. ओके सो जब भी क्वेश्चन हमें वाई से पूछा जाता है तो उसका आंसर हम किससे देते हैं, नॉर्मली बिकॉज से. एंड द MEN मैन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड MEN मैन इज प्लूरल फॉर्म. एंड हियर वुमेन, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वुमन एंड दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन. यहाँ क्या हुआ, हमने जो इसका वोवल था उसको चेंज कर दिया, जिससे क्या बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया. तो नंबर्स के लिए भी अलग अलग रूल्स होते हैं. लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मीट हेल्प द वाउंडेड मैन.
हाउ मीन्स कैसे, डेड द किंग जो राजा था, एंड द हर्मीट और जो हर्मीट था, हेल्प उन्होंने मदद किया, द वाउंडेड मैन जो वाउंडेड मैन था उसकी मदद कैसे करी, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, द किंग वॉश्ड द वाउंड, किंग ने क्या किया, वाउंड को उसके घाव को वॉश किया, धोया, एंड कवर्ड और उसे कवर कर दिया, द वाउंड किसे, वाउंड को उसके घाव को कवर कर दिया, ऑफ द मैन विद हिज हैंडकरचीफ, अपने जो हैंकी था अपना जो रुमाल था उससे उसके वाउंड को उसके घाव को कवर किया, पहले उसको साफ किया और फिर उसको कवर किया, एंड कैप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली, एंड कैप्ट ऑन ड्रेसिंग, और उसके ऊपर ड्रेसिंग करता गया, बार बार उसको साफ किया, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखा, कब तक किया ऐसा उसने, जब तक कि जो ब्लीडिंग थी, मतलब ब्लीडिंग मीन्स हो गया खून बहना, ब्लीडिंग मीन्स क्या होता है, खून बहना, स्टॉप्ड खून बहना, रुक नहीं गया, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, जब तक वो घाव में से खून बहना रुक नहीं गया तब तक वो क्या करता रहा, ड्रेसिंग करता रहा, द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक, और किंग ने उसे ऑफर किया था, क्या दिया था, वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए उसे पानी दिया था, द हर्मीट हेल्प द किंग, जो हर्मीट था उसने क्या किया, किंग की मदद करी टू ब्रिंग, लाने में द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हट, उस वाउंडेड मैन को ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, एंड वॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, वेरी गुड, इट्स ब्रॉट, सो हरमीत ने क्या किया था, किंग की हेल्प करी थी उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर लाने में, एंड अलाउड उसे अलाउ किया था, परमिशन दी थी द मैन टू स्पेंड, मतलब बिताना हिज नाइट उसकी रात्रि इन द हट, उसको परमिशन दे दी थी कि तुम यहीं पर रात बिता सकते हो, क्योंकि वो जो हट थी वो तो किसकी थी, हरमीत की थी, तो हरमीत ने उसे क्या किया, अलाउ कर दिया कि तुम अपनी पूरी रात यहाँ पर बिता सकते हो, तो इस तरह से मिलकर किंग ने और हरमीत ने मिलकर उस वाउंटेड मैन की क्या की थी, मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स के भी टू पार्ट्स है, टू क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द बियर्डेड मैन, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन वॉज द बियर्डेड मैन, वो बियर्डेड मैन कौन था, सो उसका सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट राउंड, द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग, जो बियर्डेड मैन था वो कौन था, एनिमी, एनिमी मीन्स क्या हो गया, दुश्मन, किसका दुश्मन था, किंग का, राजा का दुश्मन था, एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एनिमी, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एनिमी, वेरी गुड, इट्स फ्रेंड, एनिमी मीन्स दुश्मन और फ्रेंड मीन्स दोस्त, ही वॉन्टेड, वो चाहता था टू टेक रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला, बदला लेना चाहता था, ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, अपने भाई की डेथ के लिए वो क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, उसके भाई को किसने मारा था, बाय किलिंग द किंग, उसके भाई को किसने मारा था, उस किंग ने, उस राजा ने उसके भाई को मारा था, एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसकी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी और उसके भाई को मार दिया था, इस चीज का बदला लेना वो चाहता था, इसलिए वो उसका कौन था, दुश्मन था। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड ही आस्क, व्हाई मीन्स क्यों, ही आस्क उसने पूछा फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा किंग को कि तुम मुझे माफ कर दो, तो क्यों कहा था, इसका आंसर ये रहा, द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉन्टेड, वह चाहता था टू किल द किंग, किंग को मारना चाहता था, बट लेकिन द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ, और किंग ने तो उसकी लाइफ बचा ली थी, वो तो किंग को मारना चाहता था बट उसके बाद भी किंग ने उसे क्या कर लिया था, बचा लिया था,
ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ. वो बहुत ज्यादा उसको क्या था, उसकी तरफ महान व्यक्ति था. किंग जो था अब उसके लिए क्या बन चुका था, एक बहुत ही महान व्यक्ति बन चुका था. वो उसको मारने आ रहा था, इस वजह से वो क्या चाहता था कि किंग उसे क्या कर दे, माफ कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन. किंग ने बियर्डेड मैन को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था. वॉट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस. उसने अपनी फॉरगिवनेस को दिखाने के लिए क्या किया था, तो इसका सॉल्यूशन है द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस. किंग ने अपनी जो फॉरगिवनेस थी, मतलब जो उसने माफ कर दिया था, वो उसे कैसे दिखाया था, बाय प्रोमिसिंग. उसने क्या किया था, प्रोमिस किया था द मैन, उस मैन से, दैट ही विल सेंड, वह भेजेगा हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर को, एंड सर्वेंट, और अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसका ध्यान रखने के लिए वो अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट को उसके साथ भेजेगा. एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड, और उससे प्रोमिस भी किया था टू रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापस करना हिम, उसे, ऑल हिज प्रॉपर्टी, कि वो उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा. और उसने ये क्या क्या किया था, सबसे पहले तो उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट को उसका ध्यान रखने के लिए भेजेगा, और उसके साथ साथ उसने उसकी प्रॉपर्टी भी रिटर्न कर दी थी. उससे पता चलता है कि जो राजा था उसने उसे क्या कर दिया था, माफ कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वर द हर्मीट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस. उन थ्री क्वेश्चंस के आंसर हर्मीट ने क्या दिए थे. राइट ईच आंसर सेपरेटली, अलग अलग आंसर्स देखते हैं हम लोग क्या क्या दिए थे. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. सबसे ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों लगा वो भी लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का था उसका, फर्स्ट ये रहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. किसी भी चीज़ को करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है, उस क्वेश्चन के आंसर में उसने क्या दिया था, द हरमीट सैड. हरमीट ने कहा था इज योर प्रेजेंट, मतलब जो अभी का समय है वही सबसे अच्छा समय है. किसी भी चीज़ को शुरू करने का, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, आज का समय है, प्रेजेंट का टाइम है. बिकॉज मीन्स क्योंकि इट इज द ओनली मोमेंट. ये अभी वही टाइम है व्हेन मीन्स जब वी हैव द पावर टू एक्ट. हमें कुछ भी करने का जो पावर है वो कैसे मिलेगा, अभी अभी इसी वक्त हमें पावर है ना. तो हमने अभी ये भी नहीं सोच सकते कि काश मैं कर लेता, तो वो तो पीछे का समय, मैं करूँगा आगे का समय नहीं. अभी जो टाइम है अभी हम कर सकते हैं, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं. तो जो प्रेजेंट का टाइम है वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, अब सेकेंड है यहाँ पे, ये रहा यहाँ से सेकेंड स्टार्ट हो रहा है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है, एट अ मोमेंट इज वी अवर सेल्व्स. जिसके साथ भी हम अभी इस वक्त जिसके साथ भी हम बैठे हैं वो सभी व्यक्ति हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज क्योंकि द फ्यूचर इज अननोन. फ्यूचर को कोई भी नहीं जान सकता. क्या म्यूजिशियंस को फ्यूचर पता चलता है, नहीं, वो भी तो इंसान है. वो कौन से गॉड है जो उन्हें फ्यूचर के बारे में पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. फ्यूचर के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा. द फ्यूचर इज अननोन. फ्यूचर को कोई नहीं जान सकता. एंड वी डोंट वी डू नॉट नो वेदर वी विल मीट एनी वन इन द फ्यूचर और नॉट. क्या हम किसी जिससे आज हम आज मिल रहे हैं, हमें नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या वह व्यक्ति हमारे साथ होगा, हमसे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी हमें नहीं पता होता है. तो प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे साथ है वो सब हमारे लिए क्या होने चाहिए, पर्सन इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. सो वी शुड लिसन टू अवर सेल्व्स. तो हमें अपने अपनों की, अपने आप की, अपने जो आसपास के लोग हैं उन सब की सुननी चाहिए. एंड द थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए,
इज टू बी काइंड एंड गुड. और हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए मीन्स दयालु होना चाहिए, और गुड मीन्स अच्छा होना चाहिए. टू अदर्स, दूसरों के प्रति हमें क्या होना चाहिए? काइंड और अच्छा होना चाहिए. बिकॉज मीन्स क्योंकि वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड, हमें इस दुनिया में भेजा गया है टू सर्व दिस नोबल कॉज, इसी के लिए भेजा गया है ताकि हम दूसरों की क्या कर सके, इच्छा पूरी कर सके, उनको खुश रख सके, इसके लिए हमें भेजा गया है. आई लाइक, मुझे पसंद है द थर्ड आंसर द मोस्ट. जो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था वो सब आपको भी कुछ और भी पसंद हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हो, बट आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट. मुझे सबसे अच्छा जो आंसर लगा वो थर्ड का लगा, बिकॉज क्योंकि हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करना इन नीड, जरूरत में, इज लाइक सर्विंग गॉड. ये कैसा लगता है? जैसे हम गॉड को सर्व कर रहे हैं. इट मेक्स अस अ गुड पर्सन, इससे हम क्या बन जाते हैं? एक गुड पर्सन बन जाते हैं. एंड ब्रिंग्स सेंस टू सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट, इससे हमें क्या मिलता है? संतुष्टि और संतोष प्राप्त होता है. किसी को भी व्यक्ति की जरूरत में अगर हम मदद करेंगे और वह खुश होता है तो उससे हमारे मन में संतुष्टि होती है और हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है. नाउ हियर हमने जो वर्किंग विद टेक्स्ट था वो कंप्लीट कर लिया. नाउ वी हैव वर्किंग विद लैंग्वेज. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, मैच आइटम इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी. तो ए के अंदर और बी के अंदर हमको क्या मैच करना है? मीनिंग मैच करना है. जो ए में क्या दिए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, और बी में हमको मीनिंग्स मिलेंगे तो हमको मैच करना है. जस्ट लाइक फेंटेड, फेंटेड मीन्स क्या होता है? बेहोश होना. इसको हम, इसका मीनिंग होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अपनी जो सुधबुद है उसको खो देना. इसी तरह से हमको ए और बी के साथ मैच करना है. तो फर्स्ट हमारा हो गया वाउंडेड. वाउंडेड मीन्स क्या होता है? घाव लगना. सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है बी में से? देखो, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, गिव बैक स्मॉल पेचेस ऑफ ग्राउंड ऑफ फॉर प्लांट्स, सर्वल इंजर्ड. यस, इंजरी, जो घाव होता है उसको हम इंजरी भी बोल सकते हैं. तो वाउंड को हम मैच कर सकते हैं सर्वल इंजर्ड. नेक्स्ट अ वॉक. अ वॉक मीन्स उठना. सो इसको हम किससे मैच कर सकते हैं? फर्स्ट है हमारा गॉट अप फ्रॉम स्लीप. यस, सोते हुए हम उठते हैं, उसको हम बोला जाता है अ वॉक. सो अवर अ वॉक मीनिंग इज गॉट अप फ्रॉम स्लीप. नेक्स्ट फॉरगिव. फॉरगिव मीन्स माफ करना या माफी मांगना किसी से. सो गिव बैक, नो. स्मॉल पैचेस, नो. पैडन, नो. लॉयल, नो. फील सॉरी फॉर. सो फॉरगिव मीन्स क्या हो गया? माफी मांगना. तो इसका जो मीनिंग होगा इंग्लिश में वो क्या हो सकता है? पैडन. पैडन मीन्स भी क्या होता है? माफी मांगना. नेक्स्ट फेथफुल, वफादार. गिव बैक, नो. स्मॉल पैचेस, नो. लॉयल, यस. लॉयल मीन्स भी वफादार. सो इसका मीनिंग हो जाएगा फेथफुल, लॉयल. नेक्स्ट पिटी. पिटी मीन्स किसी भी चीज़ के लिए बुरा फील करना, माफ़ी के जैसा फील करना कि मुझे उससे क्या मांगनी चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है. सो पिटी. पिटी मीन्स क्या हो गया? फील सॉरी फॉर, किसी भी चीज़ के लिए सॉरी फील करना. बैट्स. बैट्स मीन्स क्या हो गया? स्मॉल पेचेस ऑन ग्राउंड. ग्राउंड पे स्मॉल छोटे छोटे पेचेस बनाना फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट रिटर्न. रिटर्न मीन्स किसी को वापस करना. क्या वापस करना? येरा, गिव बैक, वापस देना. गिव बैक. ओके, नाउ यूज एनी थ्री ऑफ द गिवन वर्ड्स. ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से आपको थ्री वर्ड्स को यूज करना है इन सेंटेंस. और क्या बनाने हैं? सेंटेंस बनाने हैं ऑफ योर ओन, अपने आप से. यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड. आप वर्ड की जो फॉर्म है वो भी, वर्ब भी चेंज कर सकते हो.
सो कोई भी थ्री क्वेश्चन थ्री वर्ड्स आप ले सकते हो, जस्ट लाइक पिटी, अगर आपको किसी चीज को ये बताना है कि वो उससे माफी मांगना चाह रहा था या उसने बुरा फील किया, तो आप पिटी का यूज कर सकते हो, फगिव, माफी मांगने के लिए आप फगिव का यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको इन ये जो ए के अंदर, ए कॉलम के अंदर जो जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको लेकर आपको कुछ भी थ्री सेंटेंस बनाने हैं। ओके, लेट्स गो टू अवर क्वेश्चन नंबर टू। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, हैज टू ब्लैंक्स, उसके अंदर टू ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनसे आपको जो करेक्ट फॉर्म है वो फिल करनी है। जस्ट यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैज ब्लैंक टू हेल्प हिम, उसने उसकी हेल्प के लिए क्या किया, यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ हमको, प्रोमिस, तो ही हैज प्रोमिस्ड टू हेल्प हिम, उसने उसे क्या किया, प्रोमिस किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, ही विल रिमेंबर, उसे रिमेंबर होगा, उसने मुझसे कभी प्रोमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मतलब उसे पहले प्रोमिस किया था कि कभी भी फ्यूचर में जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो, ही विल रिमेंबर, उसे याद होगा, हिज प्रोमिस, क्या उसे अपना प्रोमिस याद होगा, ही हैज प्रोमिस्ड, उसे मुझसे प्रोमिस्ड किया था, वादा किया था टू हेल्प मी, मेरी मदद करने का। डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो, ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस, क्या उसे अपना प्रोमिस याद होगा। तो इसी तरह से हमको नीचे जो ब्रैकेट्स पे वर्ड दिए गए हैं उनको ब्रैकेट में फिल करना है, ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट द ब्लैंक सैट, ब्लैंक सैट, कहा, सैट मीन्स कहा, दैट की ओनली फ्रेश एविडेंस, जो फ्रेश एविडेंस होते हैं, एविडेंस मीन्स हो गया सबूत, जो फ्रेश एविडेंस है, वुड मेक हिज चेंज, मेक हिम चेंज, वो उसे चेंज कर सकते हैं, हिज ब्लैंक। सो जज, जज कौन होता है, जज एक व्यक्ति होता है, सो द जज सैड, जज ने कहा, तो यहां तो हम वापस जज ही लिख देते हैं, जज ने कहा कि जो ओनली जो फ्रेश एविडेंस है वुड मेक हिम चेंज हिज, वो अपना उससे क्या बदल सकते हैं, अपना जो न्याय जो उन्होंने लिया है, मींस जो जजमेंट उन्होंने दिया है वो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां हम इसका लिख देंगे जजमेंट, जजमेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, आई डिडंट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, एनी सीरियस ऑफ ब्लैंक ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, डिबेटर्स मीन्स हो गया विवाद करता, जो लोग विवाद करते हैं, विवाद करता, विवाद करने वाले, डिबेट मीन्स विवाद करना, और डिबेटर्स जो विवाद करते हैं, ओपिनियन मीन्स हो गया राय रखना, किसी भी चीज में अपनी राय देना। सो आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस ऑफ ब्लैंक ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, जो डिबेटर्स है उनके बीच में मैंने कोई भी अलग राय प्रस्तुत नहीं हुई है, मतलब वो अलग अलग राय नहीं दे रहे थे। ऑल दो, हालांकि, दे ब्लैंक फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट, वो छोटे छोटे पॉइंट पे एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। सो डिफर, डिफर मीन्स हो गया अलग, अब डिफर की हमको अलग अलग फॉर्म यूज करनी है, तो आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस, कोई अलग डिफरेंस नहीं था उनकी राय में, डिफरेंस, ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, ऑल दो दे डिफर्ड, वो क्या थे, अलग थे, डिफर्ड मीन्स अलग थे, डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट पे वो एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। नेक्स्ट नंबर थ्री, इट फेयरली सिंपल क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, टू ब्लैंक बट विल एक्सेप्ट माई ब्लैंक एज फाइनल, तो इसका क्या हो गया आंसर, इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था टू आंसर, आंसर देने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट लेकिन विल एक्सेप्ट माई, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे माई, मेरा आंसर, जो मेरा आंसर है एज फाइनल, वो क्या मेरा आंसर को एज फाइनल के रूप में डिसाइड करेंगे या नहीं, एक्सेप्ट करेंगे या
नहीं. नेक्स्ट नंबर फोर, इट इज नॉट ब्लैंक दैट ब्लैंक शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. सो नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स हो गया जरूरी, इन्वेंशन मीन्स हो गया आविष्कार. सो इट इज नॉट ब्लैंक, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है. नेसेसरी मीन्स हो गया जरूरी, नेसेसरी मीन्स क्या हो गया जरूरी, यह जरूरी नहीं है. दैट की नेसेसिटी, नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी, जो जरूर कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है. मदर, यहां जो मदर है वो हो गया, इसका मतलब हो गया जननी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है. दैट नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स जरूरत, शुड बी आवश्यकता, शुड बी ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. ऐसा जरूरी नहीं है कि आवश्यकता ही हमेशा आविष्कार की जननी हो. तो यहाँ नेसेसिटी मीन्स जरूरी और यहाँ हो गया आवश्यकता, आवश्यकता. ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव, हर्मीट्स, जो हर्मीट्स होते हैं आर ब्लैंक मैन. वो कैसे मैन होते हैं, पुस्तक में हमको दिया गया है वाइज मीन्स चतुर. जो हर्मीट्स होते हैं वो कैसे व्यक्ति होते हैं, वाइज मैन होते हैं. हाउ दे एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स हो गया किसी भी चीज को प्राप्त करना. देयर ब्लैंक नो वन कैन टेल. सो हर्मीट्स आर वाइज मैन, जो हर्मीट्स होते हैं वो वाइज मैन होते हैं. हाउ दे एक्वायर्ड, उन्होंने कैसे प्राप्त की है, देयर उनकी चतुरता, विजडम, चतुरता, विजडम. नो वन कैन टेल, वो ऐसा कोई बता नहीं सकता है कि उन्होंने ये कैसे प्राप्त की है. नेक्स्ट नंबर सिक्स, द कमिटी हैज ब्लैंक टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. जो कमिटी है उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, मीन डिसाइड किया, निर्णय लिया, है डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, decided to make Jagdish captain of the team. The blank is likely to please everyone. जो ये जो decision था, the decision is likely to please everyone. जो ये decision था ये सबके द्वारा प्रसन्नता से पसंद किया गया. Next number seven, asking for blank is as noble as willingness as, sorry, willingness to forgive. Noble means हो गया महान, and willingness means हो गया इच्छा, और forgive means हो गया माफ करना. So asking for forgiveness, किसी से forgiveness मांगना, किसी से माफी मांगना, यहाँ आ जाएगा अपना forgiveness. Asking for forgiveness is as noble, ये उतना ही महान है as willingness of forgive, किसी को माफ करने की इच्छा रखना, माफी मांगना. Forgiveness means किसी से माफी मांगना, और forgive means माफ करना, किसी से माफी मांगना उतना ही महान है जितना कि किसी को माफ करने की इच्छा होना. Okay? So यहाँ जो हमारे क्वेश्चन नंबर टू था वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ हियर स्पीकिंग एंड राइटिंग. क्वेश्चन नंबर वन, इमेजिन यू आर अ किंग, आप एक किंग है. नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग विद द हर्मीट. आपको क्या, आपको अपने आप को किंग समझना है और ये सोचना है कि आप किससे जाकर मिल रहे हो, हर्मीट से. बिगिन लाइक दिस, द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चन बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. One day I decide to go and meet the hermit. इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो. अपने आप को किंग मानकर आपको क्या देखना है, आपको ये लिखना है कि जो इंसिडेंट हुआ आप हर्मीत से मिले, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, चैप्टर में से नहीं, देखकर अपने मन से आप क्या कर सकते हो, इस पैराग्राफ को लिख सकते हो. यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इस पैराग्राफ को लिखा है. इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हो. And here we have question number two also.
इमेजिन दैट यू आर हरमीत, आप हरमीत है. राइट अ ब्रीफ इंसिडेंट, एक ब्रीफ छोटा सा इंसिडेंट लिखना है आपको ऑफ योर मीटिंग द किंग, आपने किंग से मिले हो, उससे आपको रिलेटेड कुछ भी लिखना है. बिगेन आप शुरू कर सकते हो लाइक दिस. वन डे आई वॉज डिगिंग माई गार्डन, मैं अपने गार्डन को खोद रहा था. अ मैन इज ऑर्डिनरी क्लोथ केम टू सी मी. अब आपको ये बताना है कि आप हरमीत हो, अब आपको क्या कर? एक तो किंग था तो किंग तो हरमीत को देख रहा था कि वो खोद रहा है, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा वो होगा नहीं. अब आपको हरमीत से रिलेटेड करना है, हरमीत से रिलेट करना है. मैं खोद रहा था, एक पर्सन मेरे सामने आता है और वो आकर मेरी हेल्प करता है, मुझसे आंसर पूछता है, ऐसा कुछ आपको लिखना है. आई न्यू, मैं जानता हूँ, इट वॉज द किंग, ये एक किंग है. तो इस तरह से स्टार्ट करके आपको अपने आप को हरमीत समझ के एक पैराग्राफ लिखना है. यहाँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इस पैराग्राफ को लिख सकते हो. ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड हियर. सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, वी लर्न दैट जो सबसे परफेक्ट टाइम है वो आज का टाइम है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो आप खुद है, और हमारे से रिलेटेड जो पर्सन इस वक्त हमारे साथ है वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है दूसरों के लिए अच्छा काम करना, जिसके लिए हमें भगवान ने इस दुनिया के अंदर भेजा है. ओके, सो अब आपको चैप्टर को वापस से रीड करना है, आपकी वर्कशीट को फिल करना है, एंड इस चैप्टर को, चैप्टर से रिलेटेड जो पैराग्राफ है उससे आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो, उन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो. आपको अलग अलग थिंग्स इस चैप्टर से रिलेटेड करनी है. जस्ट लाइक आपने अपनी वर्कशीट देखोगे ना, तो उस वर्कशीट में आपको पैराग्राफ मिलेंगे, उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस क्वेश्चंस के आप आंसर भी आराम से दे सकते हो. सो फिल योर वर्कशीट विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.